सुप्रीम कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण बिल पर रोक लगाने वाली याचिका को किया खारिज, कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़े कुंभ को दहलाने की साजिश करने वाले 9 संदिग्ध आईएसआईएस के आतंकी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी पहुंचे मुरादाबाद, प्रियंका के महासचिव बनने पर जताई खुशी। बसपा के पूर्व विधायक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, विवादित बयानबाजी करने पर मुकदमा दर्ज। बांदा में वेतन की मांग को लेकर संविदा कर्मी आज अनशन पर, आज करेंगे सद्बुद्धि यज्ञ। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शेखर मिश्र और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने गरीब तबकों को सरकारी नौकरी में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने वाले कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आरक्षण को असंवैधानिक बताकर दायर याचिकाओं को संज्ञान में रखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा है कि पहले हम इस मुद्दे की समीक्षा करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए भी सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का रास्ता पहले ही साफ कर दिया था। आरक्षण का लाभ केवल हिंदू सवर्णों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसके दायरे में मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन समुदाय के भी लोग आएंगे। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर मुंबई पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में बाधा पहुंचाने वाले आईएसआईएस के 9 संदिग्धों की गिरफ्तारी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र पुलिस का धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन पर आतंकियों को पकड़ा गया है जो कुंभ में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के संसाधनों ने आज उस समय पोल खुल गई जब आरोपी को लगाई गई हथकड़ी को आधे घंटे की मशक्कत के बाद भी पुलिस खोल नहीं पाई है। आगरा के पुलिस लाइन में आरोपित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने अपराधियों को पेश करने के लिए लाइनअप पुलिस ने आधा घंटा मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद तब भी ये हथकड़ी नहीं खुली, जिसको लेकर पुलिस की पोल खुल गई है। परवेश, तुम्हारे हाथ में अभी हथकड़ी लगी, फंसी हुई है क्यों? हथकड़ी लगी है, फंस गई है, खुलने लगा क्या? खुलने का लॉक दिखा रहा है, हाथ ऊपर करना, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, इसे रखो हाथ। कब से नहीं खुली हथकड़ी? अभी करो, अर्जेंट करो, हमें परमानेंट करो नारे के साथ सामान्य वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश संविदा कर्मचारी संघ ने अपने अनशन स्थल सीएमओ कार्यालय में सरकार के प्रति सद्बुद्धि यज्ञ किया है। संविदा कर्मियों का कहना है कि आज सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है ताकि सरकार के लोगों का दिमाग खुल सके, उन्हें बुद्धि मिल सके और हमारी मांगी पूरी होते हुए हमें सामान्य वेतन दिया जाए और हमें नियमित किया जाए। आंदोलन 21 तारीख से चल रहा है और जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है, संविदा कर्मचारी संघ है, उसके द्वारा ये हमारे जो उत्तर प्रदेश का जो हमारा संगठन है उसकी तरफ से ये डिमांड हुआ है। 21 तारीख से हम लोग अनवरत अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हम लोग काफी समय से हमारी मांगे हैं, पहली मांग ये है कि समान कार्य समान वेतन, काम हम वही कर रहे हैं जो परमानेंट के कर्मचारी करते हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मी वही काम करते हैं जो परमानेंट के स्वास्थ्य कर्मी करते हैं, लेकिन हम लोगों का जो वेतन मान है, अब आप ये देखिए, एक डॉक्टर का वेतन मान जो फोर्थ क्लास का परमानेंट कर्मचारी है उससे कम है। तो हम लोग की पहली डिमांड तो यही कि सेम वर्क सेम पे होना चाहिए, जो काम जिसका जो है, जब वो काम वही कर रहा है तो उसको सेम पे मिलना चाहिए। इसी उसमें अभी आप एमपी सरकार का डिसीजन देख लीजिए कि वहाँ परमानेंट वेतन मान, परमानेंट कर्मचारियों को जो वेतन मान है उसके तुलना में 90% वेतन मान उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो ऐसी हम डिमांड उत्तर प्रदेश सरकार से करते हैं। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। 10-10, 15-15 साल हो गए हमारे स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों को काम करते हुए, जिनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अभी हम कर्मचारी हैं और 2 मिनट बाद यदि कोई लेटर आ जाए और कह दे आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, ये कोई तरीका नहीं है, वो परिवार कैसे पालेगा 10-10, 15-15 साल होने के बाद उसकी जॉब सिक्योरिटी। साहिबाबाद के नैनापुरम कॉलोनी के निवासी दलवीर सिंह की पुत्री श्वेता की शादी एएसआई मानवेंद्र सिंह के
तय हुई थी 22 जनवरी को बारात आनी थी, लेकिन दूल्हे राजा दरोगा जी बारात लेकर वधु पक्ष के घर पहुंचे ही नहीं। बताया जा रहा है कि दरोगा का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। दलवीर सिंह ने बताया कि इस पूरे हादसे से वह दुखी में दुख है और उनकी बेटी सदमे में है। उन्होंने बताया कि अगर मानवेंद्र को शादी नहीं करनी थी तो हमें हम लोगों को गुमराह ही क्यों किया उन्होंने। मेरा नाम लाखन सिंह नवार है, मैं इनका पड़ोसी हूँ जी। ये BSF में SI है, दरोगा जी है। इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता किया था, मगधा गांव है जिला अलीगढ़ में जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आदमी है और ये रिश्ता तय हो गया। इन्होंने क्रेटा गाड़ी, कुछ नगद 11 लाख रुपए नगद दिए इन्होंने और क्रेटा गाड़ी इन्होंने दे दी। गाड़ी को ले गया और आज सुबह से इंतजार 12 बजे लगन सगाई और ये शादी। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी आज मुरादाबाद पहुंच गए हैं। वो यहां कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। मीडिया से बात करते हुए राशिद ने कहा कि प्रियंका गांधी पर राहुल गांधी ने ठीक वक्त पर फैसला किया है। प्रियंका गांधी के महासचिव बनने से पूरे देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। राहुल गांधी की इस फैसले से कार्यकर्ताओं ने जोश भर दिया है। देश की जनता भी चाहती थी कि प्रियंका आगे बढ़ें और देश की जनता को रास्ता दिखाएं। निकली है और पूरे देश का भ्रमण कर रही है। यहाँ पे उसकी पब्लिक मीटिंग है, उसी को अटेंड करने के लिए मैं आज मुरादाबाद आया हूँ। प्रियंका जी को पार्टी माने से क्या फायदा समझते हैं? प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महामंत्री बनी है। राहुल गांधी ने ठीक वक्त पे, ठीक समय पे एक बड़ा फैसला लिया। प्रियंका गांधी से पूरे देश की राजनीति पे असर पड़ेगा, न सिर्फ ये कि कांग्रेस के वर्कर्स के अंदर जोश आया है। विवादित बयानबाजी से सुर्खियों में रहने वाले बसपा के पूर्व विधायक विजय यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले ही एक बार फिर विजय यादव ने विवादित बयान दिया था। इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाली बीजेपी विधायक साधना सिंह का सर कलम करने वाले को पूर्व विधायक विजय यादव ने 50 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी, जिस पर मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना में विजय यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना सिविल लाइन्स में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें उन्होंने किसी के ऊपर कुछ इनाम घोषित किया है, जिसके संबंध में यहाँ संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएगा फिर किसी तक भी कार्रवाई करेंगे। सर, किसके खिलाफ और कितने लाख का ये इनाम घोषित किया था इन्होंने? आप लोग जो तहरीर आई है उसमें 50 लाख का है। कोई मुगल सराय से माननीय विधायक हैं उनके खिलाफ है, तहरीर में है, तहरीर हमें मिली है, हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर लिए हैं संबंधित धारा में। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और आदरणीय अखिलेश जी के एक मंच पर आने से भारतीय जनता पार्टी। असम राज्य के नलवारी शहर में सुबह प्रशासन ने सफाई अभियान की शुरुआत की है। नलवारी के नए डिप्टी कमिश्नर भारत भूषण चौधरी ने नलवारी में डिप्टी ज्वाइन करने से पहले अपने काम की शुरुआत सफाई अभियान शुरू करके की। नलवारी के हर सरकारी दफ्तर में लोगों ने इस सफाई अभियान में अपना योगदान दिया है। नलवारी के विधायक अशोक शर्मा भी इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना था महात्मा गांधी का, डेढ़ सौ साल होने के नाते देश को पूरा परिष्कार परिचन्न करके रखने के लिए जो स्वच्छ भारत अभियान माननीय मोदी जी ने अपनाया, वो हमारा नलबारी डिस्ट्रिक्ट में नया जो DC आया डिप्टी कलेक्टर, उन्होंने आज ये कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम में नलबारी डिस्ट्रिक्ट का सारा डिपार्टमेंट ये कार्यक्रम में भाग लिया और सारा देश को ये आह्वान करता है क्योंकि देश स्वच्छता रखने के लिए सभी लोग इसमें जुड़ना चाहिए। सभी डिपार्टमेंट के लोगों को आप लोगों ने बुलाया? हाँ, हमने मतलब DC ने बुलाया सभी डिपार्टमेंट, नलबारी प्रशासन सभी डिपार्टमेंट इस काम में जुड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत पूरा डिपार्टमेंट नलबारी में साफ सफाई कर रहा है, क्या
मतलब ऐसा है कि साफ सफाई हम लोगों को जरूरी है, जैसे कि घर का साफ सफाई हर रोज करते हैं, इसी तरह मेरा शहर को भी साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये अभियान ऐसा है जैसे कि हर लोग ऐलान, मतलब हर लोग क्या बोलेंगे आप। गाजियाबाद सिहानी गेट थाना एरिया के मेरठ रोड पर एक बैटरी की दुकान से बदमाशों ने रात 8:30 बजे शटर उखाड़ कर करीब 5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया है। बदमाशों ने चार पहिया वाहन से शटर को खींचकर उखाड़ दिया। शटर के दो टुकड़े हो गए हैं। बदमाशों ने अपने साथ लाए वाहन में बैटरी, इन्वर्टर, सेल्फ, अल्टीनेटर, स्पेयर पार्ट्स आदि के साथ 5 लाख रुपए का सामान उड़ा ले गए हैं। पीड़ित नजीर ने पुलिस को मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस मामले पर कार्रवाई कर रही है। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को शक होने पर चाकू से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया है। व्यक्ति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध है। पत्नी को गंभीर हालत में मेरठ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पूनम, तुम्हारे पति का क्या नाम है? मुकुल। कहाँ की रहने वाली हो? ऋषिकेश रहते हैं। नहीं, यहाँ कहाँ रहते हैं? ये मोहल्ला चौधरीन। क्या मामला हो गया था जी? कि ये कई दिन से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। नॉर्मल था वैसे, बस मैंने कल ये कहा था कि मैं साथ नहीं रहेगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रहूंगी, तुम अलग रहो, मैं अलग रहूंगी, करके खाना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस इस पे सुबह उठ के मैं तो सो रही थी, वो पाठा लेके आया और पाठा चम्मच पे वार कर दिया। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई मगर अब नहीं, खुद को काटने से नहीं बचा पाई मैं। कितने वार किए तुम्हारे ऊपर? पता नहीं कितने करे, कोई गिनती नहीं है। तुम जान से मारना चाह रहा था? तुम जान से मार रहा था, मेरी सारी गर्दन काट दी, आंख पे मार दिया, मेरी आंख अंधी हो गई, दिख नहीं रहा मुझे, मेरे सारे हाथ बचाव में कट गए और मेरा छोटा बच्चा उसके भी। चलो चलो कोई नहीं, ठीक हो जाओगी, कोई बात नहीं। वो कोई भी था मारने में तुम्हारे साथ? नहीं, मारने में कोई नहीं था, बस तुम्हारे पति से वही था। आज जो है एक कोतवाली शहर क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी हालत काफी गंभीर है। मुकदमा पंजी। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।